अभी सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एपीसी को भी एक नज़र देख लेते हैं। सारे सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स ही हैं। अभी देखो एपीसी क्या होता है ना, एपीसी इनएक्टिव होता है, करेक्ट, जब इसके साथ CDC20 बाइंड कर जाता है। तो एपीसी CDC20 कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स में एपीसी एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। एपीसी एक्टिव जैसे ही होता है वैसे ही क्या करता है, इट प्रमोट्स बाइंडिंग ऑफ यूबिक्विटिन, यूबिक्विटिन्स टू द एमसीडीके, एमसीडीके पर यूबिक्विटिन को बाइंड करना प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है, ये एक्टिव एपीसी। और फिर रिजल्ट क्या होता है, यूबिक्विटाइलेटेड एमसीडीके अंडरगोज अंडरगोज एपोप्टोसिस और वो अपना एपोप्टोसिस में एंटर कर जाता है और फाइनली डिग्रेड हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस कंडक्शन का वर्क चलता है। एपीसी इनएक्टिव है, CDC20 उससे जुड़ गया, एपीसी CDC20 कॉम्प्लेक्स बन गया, तो एपीसी एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद उसने क्या किया, यूबिक्विटिन को एमसीडीके से जोड़ दिया। अब जो यूबिक्विटाइलेटेड एमसीडीके है वह एपोप्टोसिस में इंटर कर गया और वहां पर पूरी तरह से वो डिग्रेड कर गया। यह एपीसी का काम होता है। अब होते हैं कि चूंकि सीडीके इनहिबिटर्स जो हैं, इन्हें हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये बड़े रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं कि सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स। सीडीके इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं। दोनों जो है वो सभी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। अगर ऐसे एग्जांपल हम लोग देखें तो बहुत सारे एग्जांपल लाइक P27, P21, P16, P15, RB प्रोटीन्स, ये सभी बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन हम इसकी चर्चा, ये जो लिखने का फॉर्मेट है P, और मान लो कि हमने लिखा 21, इसमें P का मतलब होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो नंबर लिखा रहता है यह उसका मॉलिकुलर वेट बताता है, उसका मॉलिकुलर वेट कितना किलो डाल्टन है, ठीक है ना, ये इसको बताता है मॉलिकुलर वेट। तो आप कभी भी पी का कोई भी वेरिएंट आपको दिखता है, P21, P27, P16, P15, P51, तो आप क्लियर कट समझे कि यह प्रोटीन है जिसका एक खास मॉलिकुलर वेट इसको निरूपित किया जा रहा है। अगर आप P27 को एंड P21 को देखें, ठीक है, तो ये दोनों G1 CDK से बाइंड करते हैं, मतलब इस पर इनका एक्शन होता है G1 CDK पर। अगर P15 एंड P16 देखिएगा तो ये भी जो है वह नेटवर्क उड़ गया था, तो वापस हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं। अगर P27 एंड पी
21 को देखें, ये सभी जीवन सीडीके से बाइंड करते हैं। P15 एंड P16 को देखें, ये दोनों जो हैं, वो भी जीवन सीडीके से बाइंड करता है। अब वो जीवन सीडीके कौन कौन सा है? सीडीके 4 एंड सीडीके 6, यही दोनों। वहीं पर अगर आप आरबी मतलब होता है रेटाइनो ब्लास्टोमा, अगर आप इसको देखें तो यह एस फेज से जो है जुड़ा हुआ काम करता है। तो आपके मन में कई प्रकार का सवाल उत्पन्न होगा, सर कैसे यह काम करता है ना, क्या काम करने का तरीका है, क्या इसका महत्व है। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है ये हिट लिस्ट में है, हिट बोले तो हॉट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस में ये जो सीरीज है ये हॉट लिस्ट होता है, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है जिसको हम लोग पढ़े हैं, सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन्स। सबसे पहला यही कैटेगरी पढ़े थे हम लोग, जिससे हम लोगों ने कहा था CKIs। इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ तो सुटेबल एग्जांपल्स देखें। पहला एग्जांपल जो है जिसका हम लोगों ने चर्चा किया था वो था P27। मैमल्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है, मैमल्स में P27 मैमल्स में, ठीक है। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है किसी को भी तो थोड़ा नेटवर्क चेक करिए, यू विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस, ठीक है। अब अगर P27 के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करें, इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ P27? रोल है इट सप्रेसेस जीवन एस सीडीके लगातार नेटवर्क उड़ रहा है, कुछ लगता है मेरा भी नेटवर्क का इश्यू इधर चल रहा है, नेटवर्क पर तो हम लोग का कमान नहीं है। देखो क्या कह रही जीवन एससीडी के, एकदम अच्छे से समझना, जीवन एससीडी के का काम किस फेज में होता है, जीवन फेज में। एससीडी के काम कब होता है, एस फेज में। अब सोचो, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है, हम लोग जीवन फेज में हैं, अभी हम लोग जीवन फेज में हैं, हमें किसकी एक्टिविटी दिखनी चाहिए, जीवन एससीडीके की एक्टिविटी दिखनी चाहिए। किसकी एक्टिविटी हमें नहीं दिखनी चाहिए, सीडीके की एक्टिविटी हमें नहीं दिखनी चाहिए। तीर का निशान से हमने स्टिमुलेशन और इनहिबिशन बताया है। अगर जीवन फेज में एससीडीके बनना शुरू हो जाए, उस एससीडीके को हमको खत्म करना पड़ेगा, यस और नो बताइए, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल सही। तो एससीडीके को हम लोग जीवन फेज में इनहिबिट करते हैं, ये लिखा हुआ एससीडीके एक्टिविटीज अंडर जीवन फेज इनहिबिटेड। तो जैसे P27 का जो काम हम बता रहे थे उसमें ये बता रहे थे कि जो एस सी डी के है उसका रोल जीवन में ना हो पाए यह इंश्योर करता है P27 पहला। और दूसरा है क्या कि जो जीवन एस सी डी के है, ठीक है ना, तो जीवन एस सी डी के अगर एस फेज में जा रहा है तो उसको भी खत्म करने का काम शुरू करवा देना है, इसको सप्रेस करवा देना है, ठीक है ना।
तो ये जो काम करने का तरीका है, इसको अगर हम लोग सीखें कैसे ये काम करता है तो बहुत मजा आएगा। देखिए एक्चुअली हम लोग ये देख चुके हैं, तो अभी हमको एक बार और देखने का मौका मिलता है कि P27 हम लोग करता क्या है। Helps us मतलब सेल्फ। टू, withdraw from the cell cycle when terminally differentiated। कहने का मतलब है कि जब सेल साइकिल टर्मिनली मतलब एंड होता है और डिफरेंश मतलब अलग होता है, इसका मतलब है कि जब सेल साइकिल में सेल का बिहेवियर चेंज करता है तो उसको सेल नहीं चाहता है कि वो अगले फेज में जाए, सेल चाहता है कि वो इसी फेज में रुक जाए, ठीक है, इससे आगे वो नहीं जाए, अगर जीवन है तो जीवन में ही स्टॉप कर, यहीं पर रुक जाए। इसके लिए P27 का मदद लेता है। अब एक मन सवाल आएगा, What is P27? ठीक है, मैंने पहले कहा कि प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 27,000 डाल्टन है। तो हम लोग कहते हैं कि P27 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, P27 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो P27 जो है यह एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो DNA से बाइंड करता है। देखो DNA से बाइंड करता, मान लो ये इसका बाइंडिंग जोन है, यहां के P27 बाइंड कर जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहां से mRNA का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और उस mRNA से किस तरह का प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराएगा, उससे वो सिंथेसिस कराएगा जीव, जैसे कि अगर मान लो कि हम देख लें कि जीवन SCDK, तो इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो है उसका सिंथेसिस करेगा, इनहिबिटरी प्रोटीन्स का। तो जब भी ऐसे P27 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DNA से बाइंड करता है, वह उस mRNA को एक्टिवेट करवाता है, बनवाता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिससे इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनते हैं। और ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स क्या करता है, जैसे कि अगर SCDK है, इसको ये इनहिबिट कर देता है। इस प्रकार से P27 जो है वो काम करता है, और यही हमें समझने की जरूरत होती है कि ये कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है।